हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग गाइस? यहाँ पर हम बात करने वाले हैं IMO के वेरिफिकेशन कोड प्रॉब्लम के बारे में। यानी कि हम IMO पर अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं, लेकिन गाइस अकाउंट नहीं बन पाता। अकाउंट क्या बनेगा दोस्तों, उस पर वेरिफिकेशन कोड ही नहीं हमारा आ पाता। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होती है गाइस कि हमारा वेरिफिकेशन कोड नहीं आ पाता, तो इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली बताने वाला हूँ। तो गाइस इस वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों हम ऐसी ऐसी वीडियो लाते रहते हैं जो आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित हो सकती हैं। तो गाइस यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है अब हम मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर टाइम चल रहा है, तो इस टाइम को ख़त्म हो जाने देते हैं। तो ये कह रहा है IMO डायलेट योर नंबर, तो यहाँ पर मैं जो है बैक करता हूँ। और यहाँ पर बैक करने के बाद लिखा हुआ आ रहा है वी आर वेरीफाई योर फ़ोन नंबर, आर यू श्योर वेन टू चेंज इट। तो यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ, तो ये हमारा जो है बाहर आ चुका है। यहाँ पर हमारी कंट्री भी ठीक है और सब कुछ ठीक है, हमारा प्रॉपर है, हमारा नंबर भी हमारे पास है, लेकिन वेरिफिकेशन कोड क्यों नहीं आ पा रहा। तो यहाँ पर गाइस आपको कुछ और ऑप्शन नहीं मिलते हैं, सिर्फ यहाँ पर आपका वेरीफाई का ऑप्शन मिलता है। तो गाइस यहाँ पर लिखवा रहा है ऊपर वेरीफाई फोन योर फ़ोन नंबर एड्रेस बुक आर यूज टू कंटेंट कनेक्ट यू विद योर फ्रेंड विल सेंड योर SMS और कॉल वेरीफाई योर फ़ोन। तो यहाँ पर इनकी कंडीशंस है कि आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड आएगा जब ही आप इसमें लॉगिन कर पाएंगे, अदरवाइज आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बैक आता हूँ और आपका इसका रीज़न बताता हूँ कि ये हमारे मोबाइल में क्यों नहीं आ पा रहा। तो यहाँ पर हमें सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद गाइस यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ऐप्स का, तो ऐप्स में जाना है आपको। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आप चलेंगे, तो नीचे चलने के बाद यहाँ पर आपको IMO को ढूंढ लेना है। IMO पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको परमिशंस पे जाना है। तो परमिशंस पे जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक SMS और एक उसके ऊपर फ़ोन का ऑप्शन दिखेगा। तो ये एक मेन रीज़न रहता है हम जब अपना किसी भी एप्लीकेशन को वेरीफाई करते हैं तो उनमें ये दोनों सेटिंग्स, ये परमिशंस बहुत इनेबल रहती हैं, अगर इम्पोर्टेंट रहती हैं। अगर ये अगर ऑफ होंगी तो हमारे मोबाइल पे वेरिफिकेशन कोड नहीं आ पाएगा। तो ये क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ से ये डी अलाउ हैं, इनकी जो सर्विस है फ़ोन की, एक तो हो गया फ़ोन दोस्तों हमारा जिससे हमारी कॉल आती है। तो यहाँ पर IMO अगर हमें वेरिफिकेशन कोड देता है तो यहाँ पर फ़ोन के थ्रू नहीं दे पाएगा। अगर यहाँ पर हमारी SMS की जो सर्विस है ये भी डी अलाउ है, तो गाइज़ वो जो है SMS भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसके पास ऐसी सर्विस नहीं है कि वो हमारी बिना सर्विसों को प्रोवाइड किए हमारे मोबाइल पर भेज देगा। तो ये जो सर्विस ही है परमिशंस कंट्रोल्स हैं, ये अभी कुछ टाइम से आए हैं एंड्रॉयड मोबाइलों में, इससे पहले नहीं थे, उसमें ऐसे फीचर नहीं थे, जो आपके मुताबिक ही आपकी सेटिंग्स को करवा दे। तो यहाँ पर आपको इन दोनों सेटिंग्स को अलाउ करना पड़ेगा अगर आप वेरिफिकेशन कोड मंगवाते हैं। तो गाइस पीछे आइएगा फिर दोबारा और मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ दोबारा से IMO पर। तो मैं इसको खोल लेता हूँ और यहाँ पर अपना नंबर टाइप कर देता हूँ और इसे राइट पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों हमारी कंट्री वेंट्री बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर मैं एडिट का ऑप्शन मिलेगा तो यहाँ पर ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों गाइस लगते ही यहाँ पर ऑटोमेटिक हमारा वेरिफिकेशन हो गया और यहाँ पर इनने बिल्कुल जो है हमारा ऑन कर लिया है। तो गाइस ये दिक्कत होती है और कोई दिक्कत नहीं होती है अगर आप IMO चलाते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो और कुछ नहीं है, बस दोस्तों आप वेरिफिकेशन करते हैं तो वो बेसिकली बिल्कुल सही तरीके से हो जाएगा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर थोड़ी बहुत यूज़फुल लगी हो तो लाइक करके जाना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।